गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं पर्दा सही कर रही हूँ क्योंकि रात में खोल देते हैं और अभी धूप आना स्टार्ट हो गया है कमरे में, तो इसीलिए बंद कर दे रहे, नहीं तो गर्मी बना लेते कमरे में। मतलब जब धूप आएगी भाई कमरे में तो फिर उमस तो बना ही लेगा, इसीलिए मैं पर्दा लगा दे रही हूँ। तो अभी मैं फाइनली पर्दा लगा दी हूँ और अभी मैं गई थी किचन में चाय बनाने, तो उसके बाद में मेरा गैस ही ख़त्म हो गया। तो अभी हस्बैंड जी मेरे गैस भराने गए हैं और क्या कहते हैं, मैं अभी हम लोग बड़ा वाला कलेक्शन नहीं ले रखे हैं, जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है, क्योंकि अभी मेरे पास छोटा वाला है। मुझे किचन की खिड़की भी खोलनी थी तो किचन की भी खिड़की खोल दिया मैंने, और बड़ा वाला सिलेंडर मेरे पास नहीं है, छोटा वाला है अभी, क्योंकि कभी इधर हो जाती है ड्यूटी। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग की पीलीभीत में थी, उसके बाद इधर लग गया, तो ये होता है कि छोटा वाला रहता है तो उसको सेव करने में थोड़ा सा ईजी होता है, और बड़े वाले कलेक्शन में थोड़ा ये होता है, और इसीलिए छोटा वाला हमारे पास है अभी। और क्या कहते हैं, भराना पड़ता है, 10 से 15 दिन चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, फिर भराना पड़ता है। तो अभी फाइनली मेरे हस्बैंड गए हैं भराने और अभी आते हैं भरा के, फिर मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि मेरा चाय पीने को मन कर रहा है। और सुबह सुबह मतलब क्या होता है, नाश्ते वास्ते से पहले ये मन करता है चाय पीने को, तो वही मैं चाय बनाने गई थी सुबह सुबह वाली, जो 6 बजे वाली चाय होती है, 6 बजे तक पीने को मन करता है। क्या होता है, जब मैं ब्रश करके फ्रेश हो गई और फ्रेश व्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मेरा चाय पीने को मन कर देता है। तो वही मैं चाय बनाने आई थी, तो फिर गैस ही नहीं है, तो मैंने हस्बैंड जी को जगाया है अभी और वो गए हैं गैस भराने, और गैस भरा के लाते हैं तब मुझे मिलेगी चाय। और कमेंट करके बताना मेरे जैसे कौन इतना सुबह सुबह मन कर देता है चाय पीने। तो फाइनली हस्बैंड जी मेरे आ गए हैं गैस भरा के, और अभी मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि वही लगा देते गैस, लेकिन फिर भी वो मतलब जल्दी जल्दी में, दरअसल नीचे जाना था किसी काम से तो वो नीचे चले गए हैं, तो मैं सिलेंडर लगा दे रही हूँ अभी। तो अभी फाइनली मैंने गैस लगा दिया है और मैंने सिलेंडर लगा दिया, और सबसे पहले मैं दूध गर्म करूँगी क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है और काफ़ी देर हो गया दूध लाए हुए भी, तो हो सकता है ख़राब हो जाए, तो रिस्क नहीं लेंगे, उससे पहले मैं दूध गर्म कर लूँगी। तो मैंने अभी यहाँ पर रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और उसके बाद में मेरा दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तो फिलहाल मेरी चाय बन गई और मैंने पी भी लिया है चाय वाय, और मैं नहा ली हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप भी किया है मैंने आज, और कल मुझे जाना है अपने घर, इसके लिए हस्बैंड के सारे कपड़े धो दिए हैं मैंने, यहाँ पे टी शर्ट वगैरह इनकी, कि मतलब इनको दिक्कत ना पड़े 2-4 दिन अगर मैं ना आऊँ तो। और इसका इनका कपड़ा वपड़ा सब धुल के मैंने रख दिया है, क्या हुआ। और मैंने खाना भी बना लिया है, पर हम लोग अभी खाए नहीं हैं, अभी खाएंगे खाना। मेरा खाना बन गया और मैं इनसे पूछ ले रही हूँ, अगर खाएंगे हस्बैंड जी तो इनको दे देंगे, उसके बाद हमें अपनी पैकिंग करनी है, तो मैं अपना पैकिंग करना स्टार्ट करने जा रही हूँ। और इस बार 2-4 दिन के लिए, मतलब कितने दिन के लिए जा रही हूँ मैं, 4 दिन के लिए मैं जा रही हूँ। और मतलब तो कितने कपड़े लेके जाऊँ मैं, कम से कम शादी में मतलब पहनना के लिए कितने चाहिए हमें, आप बता दीजिए, हम उतना ही लेके जाएंगे। शादी का प्रोग्राम तुमको देखना है, क्या पहनना है तुम्हें डिसाइड करना है इसके लिए। हमने मतलब डिसाइड कर रही हूँ, और मतलब जैसे हल्दी पे एक साड़ी पहनना, ओके, फिर शाम में मेहंदी पे पहनना एक साड़ी, 2 साड़ी तो एक ही फंक्शंस में हो गया, फिर शादी वाले दिन तो सूट वगैरह डाल लेंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, साड़ी फिर नहीं डालेंगे, पर शादी में, शादी के लिए तो डालेंगे ना साड़ी। तो सोचते हैं कितने ले जाना है हमको, और उसी की पैकिंग कर ले रहे हैं, ये अभी खाना नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, तो मैं अपना पैकिंग करना स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट अपना कुत्ता टाइट कराने, और इतना गर्मी कि मेरा आईलाइनर बह गया। तो हम अभी पहुँच गए नीचे, फ्रेंड हम आ गए अपना कुर्ता टाइट करा के रूम पे, और दोपहर में मेरा इतना सर दर्द होने लगा था, अचानक से मेरा सर दर्द होने लगता है पता नहीं क्यों, और मतलब कंटिन्यू मुझे चश्मा लगाना पड़ता है पर मैं लगाती नहीं हूँ, इसकी वजह से मुझे सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी आँखें भी लग रही होगी ना आप लोग को भी, कि मतलब जैसे काली काली सी लगने लगती है, अचानक से पता नहीं क्या होता है, मतलब सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, फिर नीचे आँख के डार्क मार्क्स हो जाते हैं,
और उसके बाद में मैंने दोपहर में बोला था कि मैं पैकिंग करने चल रही हूँ अपना, उसी की वजह से सर दर्द की वजह से मैं पैकिंग नहीं कर पाई। फिर मेरा सर दर्द थोड़ा सा जब आराम हुआ तब फिर मैं मार्केट गई अपना कुर्ता टाइट कराने के लिए, क्योंकि कल मुझे अपने घर जाना है। और मैंने एक दो कुर्ते पहले भी लेके आई थी तो उसको भी टाइट करवाना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो मैंने दवा वगैरह खाया और उसके बाद में मैं गई अपना टाइट करवाने कुर्ता। तो अभी मैं आई हूँ जस्ट रूम पे, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं पैकिंग कर लूँ, क्योंकि भाई सुबह सुबह आएंगे तो फिर उनमें टाइम नहीं मिलेगा, जैसे इनके लिए भी नाश्ता बना के कुछ जाना पड़ेगा और कुछ दोपहर के लिए खाना बना के जाना पड़ेगा। एक दिन बना देंगे, उसके बाद में देखेंगे कैसे बना पाएंगे, थोड़ा बहुत कैसे किसी तरीके से बना लेंगे, और नहीं तो मन करेगा तो बाहर खा लेंगे। दरअसल बाहर का ज़्यादा नहीं खाते हैं क्योंकि उनको सूट नहीं करता है ना, इसलिए बाहर नहीं खाना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो एक दो दिन किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी पैकिंग करने, और अभी भी सर दर्द हो रहा है, आँखें भी लग रही है कि मतलब भारी भारी, और अब फाइनली कर ले रहे हैं अपना। तो अब जा रही हूँ मैं अपना पैकिंग करने। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सूटकेस ले लिया है, और सूटकेस में मैंने एक से दो साड़ियाँ, दो तीन साड़ी मैंने लिया है और दो तीन सूट ले के जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन रुकना नहीं है, मतलब 3 दिन या 4 दिन रुकना है तो उसके हिसाब से ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, ले जाना पड़ेगा फिर लाना पड़ेगा। और एक तरफ मन करता है कि शादी के बाद पहला फंक्शन है मेरे मतलब घर पर मायके में, फिर ये भी मन करता है कि मैं ढेर सारी साड़ियाँ लेके जाऊँ अपना और पहनती भी रहूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और गर्मी इतना पड़ रही है अलग से, आज इससे मेरा सर दर्द होने लगा है, और पता नहीं मैं लेके तो जाऊँगी, मैंने तीन साड़ी मैंने रख ली है और दो तीन सूट लेके जाऊँगी, और पहन पाएंगे तो पहनेंगे, और पर लेके ज़रूर जाऊँगी। हस्बैंड जी मेरे डांटने भी लगते हैं कि मतलब वो पहनना इतना नहीं होता है जितना लेके चलती हो आप, पर जानते होंगे आप लोग भी, कमेंट करके बताना अगर लड़की हो, लड़कियां मतलब वो ऑलरेडी मतलब जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वो पैकिंग कर लेती हैं कपड़े की, कपड़े पैकिंग कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरी पैकिंग हो गई है, और मैंने तीन ही सूट लिए हैं और तीन साड़ी भी मैंने लिए, इससे ज़्यादा नहीं लिया मैंने। कितना भी कम सोच लो कि कम लेके जाएंगे पर हो नहीं पाता है। और अभी भी मेरा मतलब अभी तो मतलब रखें चार सूट रखें और तीन साड़ी है मेरे रखा है मैंने, और फिर भी मतलब सोचते सोचते कल निकलते निकलते ना फिर भी एक दो एक्स्ट्रा हो ही जाए यहाँ। तो चैन फंस रहा है पता नहीं क्यों। तो अभी मेरा पैकिंग हो गया, तो फाइनली मेरा पैकिंग हो गया, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और देख सकते हैं आप लोग भी, और बस हमें कल का वेट है, कल मेरा भाई आएगा फिर मैं जाऊंगी। और आप लोग से बात कर रहे हैं लेकिन इतना तेज़ से सर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर पे कोई तेज़ तेज़ से मार रहा है, मतलब टन टन हो रहा है, और मेरी लापरवाही की वजह से हो जाता है ना, कि जैसे कि चश्मा नहीं लगाते ना कंटिन्यू, और उसी की वजह से सर दर्द हो जाता है, और अभी भी मैंने नहीं लगा रखा है, और सोचती हूँ लगा लूँ नहीं तो और दर्द हो जाएगा ना, तो मेरे हस्बैंड जी भेजेंगे भी नहीं हमको अपने घर, इसकी वजह से लगाना पड़ेगा। तो अभी मैंने लगा लिया अपना चश्मा। तो अभी मैं पानी का बोतल खाली कर रही थी, और थोड़ा सा मतलब पानी वाले आ जाते हैं 5 बजे पर आए नहीं आज, अभी आ रहे हैं वो, तो हस्बैंड भी चले गए मेरी ड्यूटी, तो थोड़ा सा पानी जो बचा हुआ था मैंने इसमें केतली में डर रख दिया है, और अभी मैं रख दूंगी बाहर बोतल, तो भैया जब आएंगे पानी देने तो दे जाएंगे ऊपर, क्योंकि कभी कभी लेट कर देते हैं, आ जाते हैं टाइम पे तो भाई वो ले आते हैं नीचे से, अगर नहीं आते हैं तो दे जाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे बोतल रख दिया है, और अभी नीचे आएंगे भैया तो आवाज़ देंगे तो बोल देंगे कि दे जाएँ आके, तो दे जाएंगे। तो फाइनली अभी भैया आ गए हैं पानी लेके, और मैंने आवाज़ दे दिया यहाँ से, अभी आएंगे ले जाएंगे बोतल उठा के। तो भैया अभी पानी देके गए हैं और यहीं पे बोतल रख गए हैं, और इतना भारी है कि मैं वहाँ तक ले नहीं जा सकती, किचन तक किसी तरह खिसका के ले जा रहे हैं, और इधर साइड में कर देंगे फिर अभी आएंगे वो हस्बैंड जी, तो उनसे करवाएंगे इधर, और मम्मी काफ़ी भारी है
अब मैंने यहीं पे रख दिया है, वो आएंगे फिर ले जाएंगे किचन में। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले जाऊँगी, और इतना मेरा सर दर्द हो रहा है। और फ्रेंड मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। और मेरे बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, अपनी घर की शादी दिखाएंगे, कैसे हमारे घर पे शादी के फंक्शंस होते हैं, कैसे रस्में होती हैं सब कुछ दिखाएंगे। और हम इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.